आज हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में बनाने जा रहे हैं ये गेमिंग सेटअप, क्योंकि हमारे गेम का जो पीसी है वो एकदम कचड़ा हो चुका है यार। ये पीसी मैंने ना कब लिया था पता नहीं, और ये पीसी इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि क्या ही बोलेंगे। ना ये चालू होता है ना इसकी कुर्सी ढंग की, आप कुर्सी देख लो, मतलब अभी फेंकने का मन कर रहा है। और ये चालू भी नहीं होता, CPU इसका बर्बाद हो रखा है, कीबोर्ड के बटन दबते नहीं है, टेबल बकवास सी है। तो आज हम ये पूरा PC रेनोवेट करने जा रहे हैं और इसको बनाने जा रहे हैं एक बढ़िया सा गेमिंग सेटअप। तो गेमिंग सेटअप वाले भैया को कॉल लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। मिस कॉल मार दिया है मैंने, अब ये टेक्स्ट करके मुझे बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी। ओके, तो हम लोग को गेमिंग सेटअप के लिए ये सारे पार्ट्स चाहिए होंगे। और सबसे पहले हमें चाहिए मॉनिटर, जो कि हमें इस लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है, ये लोकेशन है मेरे हिसाब से मेरे बगल वाली बिल्डिंग्स के रैंप के पास है। ठीक है, तो हम लोग वहीं चलते हैं हमारी गाड़ी निकाल के। तो सबसे पहले चलते हैं मॉनिटर को लेने के लिए, और इसके लिए हम लोग को जाना है रैंप्स में जो कि हमारे सामने ही है। और वो वाला जो रैंप जो फोटो में था ना, वो एक सिंगल रैंप था एक बिल्डिंग के ऊपर। तो वो जो रास्ता रहेगा, वो रास्ता मुझे देखना है कि कौन सा रैंप ले जाता है। ये वाले रैंप शायद से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उस बिल्डिंग के ऊपर नहीं जाते हैं, या तो एक शॉर्टकट भी है जो कि उस बिल्डिंग के ऊपर जाता है, तो मुझे वो याद आ रहा है। ये रैंप तो भाई बहुत लंबा घुमा के ले जाएंगे। हाँ, मिल गया मुझे, ये वाला जो रैंप है ना, ये शॉर्टकट है। ये देखो, पहले हमें इस बिल्डिंग पे जाना है, फिर इससे डायरेक्ट जब मारेंगे तो हम वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, और यहाँ से मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और मॉनिटर का काम हमारा हो जाएगा। वैसे वो ब्लू वाला रैम दिख नहीं रहा यार जो कि फ़ोटो में था, होना तो यहीं चाहिए। देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, पहले थोड़ा पीछे कर लेता हूँ अपनी गाड़ी को, वरना पता चले हम लोग पहुँच ही नहीं पाए उस बिल्डिंग तक। यहाँ से लेते हैं अपना रनअप। एक देखो ब्लू रैम वहाँ पर दिख रहा है, और एक यहाँ पर होना चाहिए। ओके है, और मॉनिटर उसके जस्ट नीचे ही रखा होगा। तो चलो इसको कलेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट मॉनिटर हमें मिल चुका है, और सिर्फ मॉनिटर ही है इसमें, साथ में कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट ढूंढते हैं चल के। तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, ओके, गेमिंग चेयर हमारी। ये तो बहुत ज़रूरी है, हमें बैठने के लिए चाहिए अच्छी सी चेयर। पुरानी चेयर आपने देखी है, बहुत ही बकवास हो चुकी है। तो हमें ये चेयर इस रैम के ऊपर मिलेगी, जो कि थोड़ा सा कोने की साइड में। ये रैम बहुत ही अकेला सा रैम है, तो इस पर जाना है ना एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक परफेक्ट जंप के साथ ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं। चलो देखते हैं वो वाला रैम कहाँ पे है। ये हमारा घूमने वाला रैम्प है, इसके वो आगे ही होगा। कहाँ पे गया, इधर एक लंबा वाला रैम्प है, वो ये रहा। ठीक है, तो ये जो रैम्प जा रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक जंप वाली लोकेशन भी है, उससे हम लोग जैसे ही जंप करेंगे उसके आगे वाले रैम्प पे जो कि एक फ्लैट लाइन है, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे, और उसी के ऊपर गेमिंग चेयर पड़ी रहेगी। तो स्टार्ट हम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। यार थोड़ी स्पीड मुझे पहले से पकड़ के आनी चाहिए थी, इधर मैं पहुँच ही नहीं पाया। इस बार थोड़ी पीछे से आते हैं ताकि अच्छी जंप पड़ जाए। ओके, हो गया है। इधर थोड़ी सी और तेज चलाता हूँ, मुझे मालूम नहीं कितनी लंबी जंप है यहाँ पे। यार काफ़ी लंबी जंप थी वो, भाई मेरी गाड़ी उचक गई, नीचे नहीं गिर जाना। बस अब यहाँ पे परफेक्ट जंप मार के मैं पहुँच जाऊँगा। ये मारी जंप और हम लोग बस पहुँच ही गए, और ये रही हमारी गेमिंग चेयर जो कि हमें मिल चुकी है फाइनली। और इसमें तो यार घूमने वाले पहिए भी लगे हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा CPU, और ये रखा है एक बीच के पास, और बीच के पीछे एक बिल्डिंग है। ओके, तो क्या है हमारे यार शहर में बहुत सारे बीचेस है, बहुत सारे जगह ना ऐसी कुर्सियाँ और हट्स रखे हुए हैं, तो पीछे की बिल्डिंग से हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन से वाले बीच पे हमारा CPU जो है वो रखा हुआ है। एक तो मैंने यहीं पे देखा है, यहीं कहीं पे है बीच, ये देखो ये रहा। अब यहाँ पे जो कुर्सियाँ रखी हैं इसके आगे CPU होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो पीछे रैम्प दिख रहा है, और उस फोटो के पीछे हमें बिल्डिंग दिख रही थी, तो वो कहीं और होगा। इधर भी है एक और बीच, तो हो सकता है यही वाला हो, लेकिन इसके पीछे भी यार रैंप घूम रहा है, तो फिर शायद ये वाला भी नहीं है। एक बार मैं यहाँ से व्यू देख लेता हूँ, CPU तो हमारा है ही नहीं, और पीछे यहाँ पर रैंप दिख रहा है, सामने एक और बीच है जो कि मुझे यहीं से दिख रहा है। ठीक है, वैसे बीच तो एक ही है गाइस, हट की बात कर रहा हूँ मैं। और इधर बिल्डिंग भी है जो कि हमारा कार शोरूम है, तो यही है क्या? एक बार मैं देखूँ तो ज़रा, मुझे लग रहा है कि हाँ यही बिल्डिंग थी उस फोटो में, तो फिर हमारा CPU इधर ही होगा।
ओके, मिल चुका है हम लोग को हमारा सीपीयू, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पीसी का और सबसे महंगा पार्ट भी। तो ये सबसे ज़रूरी था, इसको उठा लिया हमने। अब हमारे थोड़े छोटे मोटे पार्ट्स ही बचे होंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा कीबोर्ड। ओके, तो कीबोर्ड जो है वो हमारा रखा है एक घर के दरवाजे के बाहर और ये एक येल्लो हाउस है, तो ये हमें एक सिटी में मिल जाएगा। तो ये जो सिटी है ये तो हमारी बड़ी बिल्डिंग्स वाली सिटी है, उसमें छोटे छोटे घर थे जो कि शायद इधर होंगे। हाँ, ये हैं वो घर, और इनमें से था एक येल्लो कलर का हाउस। तो वो कौन सा था? ये तो ब्लू है, ये ब्राउन है, ये रहा येल्लो हाउस। ओके, येल्लो हाउस के लेकिन सामने नहीं है कीबोर्ड यार, और कोई सा येल्लो हाउस होगा, मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से कहीं। तो इधर है एक और येल्लो हाउस दिखा मुझे, और यही लग रहा है शायद से, यही दरवाज़ा था ना। नहीं नहीं, इसके मैं बैक साइड पर आ चुका हूँ, इसके फ्रंट साइड से देखते हैं। फ्रंट साइड पर रखा होगा, यहाँ भी नहीं है यार कीबोर्ड, कहाँ है? लगता है किसी और येल्लो हाउस में है। अच्छा, इस मोहल्ले के लास्ट घर में भी एक येल्लो हाउस है, और यही होगा पक्के में वो वाला हाउस। ओके, तो मिल चुका है हम लोग को हमारा कीबोर्ड गाइज, हमारा RGB कीबोर्ड जिसमें कि RGB लाइटिंग होती है। अब बस हमारा माउस बचा है। हमारा माउस कहाँ पे होगा अब ये देखना है हम लोग को। तो हमारा माउस है, ये कौन सी बिल्डिंग है यार? ये पीछे की बिल्डिंग्स तो रेलवे स्टेशन के बगल में है, और ये जो बिल्डिंग होगी ये मुझे लगता है गैस स्टेशन के ऊपर रखा है। यही वाली बिल्डिंग दिख रही थी ना शायद से उस फोटो में, यार यही कोई सी थी। गैस स्टेशन तो है यहाँ पे, लेकिन गैस स्टेशन की छत के ऊपर हमें जाना पड़ेगा यार, और इसके ऊपर जाने के लिए मुझे इस वाली बिल्डिंग पर चढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से जंप लगानी पड़ेगी उस छत पे। तो देखते हैं क्या हम लोग जंप लगा पाते हैं कि नहीं। पहले तो यार इस पे मैं चढ़ पाऊँगा क्या? ओके, चढ़ तो जाऊँगा, इतनी कोई हाइट है नहीं, लेकिन आगे वाले की बहुत ज़्यादा हाइट है और बहुत दूर भी है। जंप मारने के बाद मैं पहुँचूँगा कि नहीं यार, मेरे को लग नहीं रहा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। वैसे मेरे पास दूसरा ऑप्शन है अगर ऐसे नहीं पहुँचते हैं तो, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। ये कूदा भाई यार, बहुत ज़्यादा दूर है यार, नहीं पहुँच पाऊँगा इधर तो मैं। ठीक है, हमारे दूसरे ऑप्शन पे ही चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा, हमारे जो घर है ओल्ड वाला हाउस, इधर मैंने यार एक जेट पैक रखा हुआ है, तो उस जेट पैक से हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे उस छत पे। बाथरूम से चढ़ के जाना पड़ता है यार मेरी छत पे, ऐसी जगह मैंने हिडन बनाई हुई है, तो इधर ही होगा वो। ये रहा हमारा जेट पैक, मिल चुका है। अब इससे मैं आराम से अपना माउस निकाल लूंगा और हमारा PC सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर टेक ऑफ मारते हैं और चलते हैं हमारे गैस स्टेशन की तरफ। वो रहा, ज़्यादा दूर है नहीं, बस इसको लेते हैं जल्दी से। चलो, तो ये भी हम लोग को मिल चुका है। वैसे इतना सा माउस भाई इतनी बड़ी छत पे रखने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे मिल चुका है। सारे पार्ट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस इन पार्ट्स को लेके चलते हैं हमारे न्यू हाउस में, और वहाँ पे पहले मुझे अपने ओल्ड सिस्टम का भी ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड सिस्टम ने भी बहुत सारी जगह घेर के रखी हुई है। आ गए हम लोग घर पे। अब ओल्ड सिस्टम का क्या करना चाहिए मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि यार अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा तो वैसे ही मेरा पूरा घर जो है वो भरा हुआ है और कोई भी खाली जगह है नहीं मेरे पास। तो इसको हम लोग यार उड़ा ही देते हैं। काम करता हूँ कि ओल्ड सिस्टम को आज हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे पास कुछ स्टिकी बॉम्ब्स रखे हैं, इससे हम लोग ओल्ड सिस्टम को ब्लास्ट ही कर मारते हैं, यही सही रहेगा। इसको मैं फोर्ड इसलिए रहा हूँ क्योंकि यार ये चलता तो है नहीं, तो ये भंगार में भी 2 रुपये का जाएगा नहीं, इसलिए इसको फोर्ड देते हैं तो वही सही रहेगा। ठीक है, तो 3, 2 और 1 गेमिंग सेटअप ब्लास्ट। और सेटअप हो चुका है फाइनली हमारा न्यू गेमिंग PC। तो ये देख लो यार कितना सही लग रहा है, और बिल्कुल बराबर आया है पूरा उस जगह पे गाइस। CPU रेडी है हमारा, मॉनिटर रेडी है, माउस रेडी है, माउस पैड रेडी है, 2 स्पीकर ले आया हूँ मैं, कीबोर्ड रेडी है, और हमारी गेमिंग चेयर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो उसे दबा के।